So, students, today we are going to start next lesson of physics, that is lesson number 3, dynamics. Okay? In dynamics, we are going to study about Newton's laws of motion. Okay, in dynamics we are going to study about Newton's laws of motion. There are 3 laws. The study of Newton's laws of motion, it is also called as Newtonian mechanics. Okay, kyunki the study was done by Newton and hence it is also called as Newtonian mechanics. It is a part of one of the branch of physics that is called as classical mechanics. There are variety of branches of फिजिक्स है ना, उसमें से जो सबसे पुरानी है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल मैकेनिक्स. नाम में क्या है उसका, क्लासिकल है. व्हाई क्लासिकल? बिकॉज दिस फिजिक्स, दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स वाज डेवलप्ड इन वेरी ओल्ड टाइम, दैट इज इन नियर अबाउट 16th सेंचुरी. इसके बाद में साइंस में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बट द बेसिक ऑफ दैट डेवलपमेंट वॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स इन 16th सेंचुरी. न्यूटन कब था? न्यूटन 16th सेंचुरी में था और न्यूटन ने तब साइंस में इतने सारे इन्वेंशंस किए कि नाउ ऑल्सो बिफोर स्टडिंग एनी पार्ट ऑफ फिजिक्स वी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड उससे डेवलप होके बाकी की ब्रांचेस जो है उसमें कई सारे वेरिएशंस है. इसके कई सारे रूल्स जो है वो बाद में चेंज हुए हैं, लेकिन वो समझने से पहले यू हैव टू स्टडी अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी विल सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स. सो डायनामिक्स में वी हैव स्टडीड फर्स्ट मैकेनिक्स. वॉट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डू स्टडी ऑफ मोशन. स्टडी ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. हाँ, नाउ वी डू इट इन टू वेज. फर्स्ट, विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, एंड सेकेंड by considering its cause. Without considering cause, mechanics ki jo study hum karte hai, the study of motion without considering cause, it is called as kinematics. It is called as what? Kinematics. And when we study physics, now when we study motion by considering the cause, of motion, then it is called as dynamics. Then it is called as what? Dynamics. Okay, so this is dynamics. What is dynamics? The branch of mechanics in which we study the motion along with its cause. Okay, what is dynamics? Dynamics is the branch of physics, especially mechanics. The branch of mechanics in which we study the cause of motion. The branch of mechanics in which we study the cause of motion and why bodies are moving fast or slow or remain at rest. Okay, remain at rest. The branch of mechanics in which we study the cause of motion and why bodies are moving fast and slow or remain at rest, that is called as dynamics. Okay, now here one term is there. What is it? It is the cause of motion. The cause of motion. Cause of motion matlab agar humne koi ek object consider kiya, suppose this is the object, it is at place A. And after some time, its place changes from A to B. Okay? A
एक ऑब्जेक्ट ए प्लेस पे था और कुछ समय के बाद में उसकी प्लेस चेंज होके बी पे गई। कैसे क्यों गया होगा? वी ऑल नो दैट कि दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर किसी ने फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स दिस पर्टिकुलर चेंज कैन टेक प्लेस। सो वॉट इज दिस एफ? दिस इज द कॉज ऑफ मोशन। दिस इज वॉट द कॉज ऑफ मोशन। हमने हमेशा इसको स्टडी कैसे किया है? द पुश और पुल अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। वॉट इज फोर्स? फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन मीन्स फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो वॉट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्स। ओके, वॉट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्स। सो वी विल सी वॉट इज फोर्स एंड सम वेरी बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू फोर्स। फोर्स को हमने कई बार इससे पहले पढ़ा है, हमें पता है वॉट इज फोर्स। फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। द पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज फोर्स, है ना? वॉट इज फोर्स? फोर्स इज द कॉज दैट चेंज द स्टेट of an object. What is force? Force is the cause that state the change that change the state of an object. Force is the cause that change state of an object. मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे था, आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये काय में आया? मोशन में। ओके, तो रेस्ट से मोशन में इसकी जो स्टेट चेंज हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट था जो मोशन में था, आपने यहाँ पे इसको ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पोजिशन में आ गया। तो मोशन में से रेस्ट पोजिशन में आने के लिए अगेन टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई फोर्स। ओके, सो दिस इज फोर्स। फोर्स इज द कॉज दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वॉट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, पता है हमें। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसका और भी एक यूनिट है, सीजीएस यूनिट। वॉट इज इट? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। हमें रिलेशन भी पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू वॉट? 10^5 डाइन। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन फोर्स इन डिटेल, वॉट आई हैव टू डू? आई हैव टू मैंशन इट्स वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पता है तो ही, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है तो ही आप वो मोशन को परफेक्टली क्या कर सकोगे? डिस्क्राइब कर सकोगे, है ना? सो दैट इज वाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Okay, so this is about force.